नीची चला किताब पढ़ने। डिंग डिंग। मैं आ गया। हथौड़ी कहाँ हो तुम? डिंग डिंग। अरे तुम ऐसे लटक कर क्या कर रहे हो? डिंग डिंग। खाना खाने के बाद झपकी ले रहा था। ऐसे चमगादड़ की तरह उल्टा लटक कर। अच्छा सुनो, मुझे तुम्हारी थोड़ी मदद चाहिए हथौड़ी। क्या हुआ? मैं बुक को उलट पुलट रहा था। ये क्या कह रहे हो? मैं तो भूल ही गया था, किताब को उलट पुलट करने का मतलब है जेब का एक पैसा खर्च किए बिना ही किताब को पढ़ लेना। इससे पॉकेट मनी बचती है। इस तरह तुम अपनी पॉकेट मनी बचा सकते हो। फिर तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। और मैं भी हूँ। और मैं भी। चलो फिर सब चलते हैं। डिंग डिंग। तुम सब पहली बार किताब को उलट पुलट करने वाले हो, थोड़ा होशियार रहना। डिंग डिंग। उन अंकल से भी, उनकी नाक पर हमेशा गुस्सा रहता है। पल्लू गुस्से वाले लगते तो नहीं है। हाँ ये सही कह रहा है। अच्छा तो एक और आ गया। ठीक है अभी बताता हूँ तुम्हें बच्चों। भागो यहाँ से। अच्छा तो इसका मतलब हम सबको बहुत चौकन्ना रहना होगा। हाँ सही कहा। केनिची चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। अच्छा तो ये लड़का फिर से आ गया। जब तक अंकल सो रहे हैं तब तक मैं ये किताब अच्छी तरह पूरी पढ़ लेता हूँ। अभी रास्ता पूरी तरह से साफ है। अरे डिस्टर्ब मत करो, मैं इस समय बहुत मजेदार बुक पढ़ रहा हूँ। मजाक मत करो, मैं जानता हूँ शिंजो ये तुम ही हो, थोड़ी देर रुक जाओ ना। तुम्हें किस तरह का मजाक पसंद नहीं है? अभी मैं बहुत मजेदार चीज पढ़ रहा हूँ। स्पेस से बहुत सारे एलियन धरती पर आ जाते हैं। क्या? माफ करना अंकल। क्या यहाँ से? भागो! मुफ्त में किताबें पढ़ने वाला मुझसे बच नहीं सकता। इस बार मैं जाता हूँ। कबड्डी कबड्डी, खाने की चीजें। समझ में नहीं आ रहा है अखबार के पीछे अंकल सच में सो रहे हैं या वो सो रहे हैं। वहाँ क्या बात है, इन डिशेस को देखकर तो मुंह में पानी आने लगा। क्या जमाना आ गया, आप डॉगे भी मुफ्त में किताबें पढ़ने लगे। वहाँ क्या बात है। अरे रुको, अरे कहाँ जा रहे हो? लगता है मैं पकड़ा गया। तुमने बताया था ना कि वो अंकल हमेशा गुस्से में ही रहते हैं। हाँ वो ऐसे ही रहते हैं। किसी मानुष तो ना समझा, मैं उसका ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए। अब देखो मेरा कमाल, मैं सारी किताबों को उलट पुलट कर दूंगा। अभी आता हूँ। लगता है ये भी मुफ्त में किताब पढ़ने आया है, लेकिन मैं इसे मजा चखा कर रहूंगा। अरे वो छोटा लड़का कहाँ गायब हो गया? लगता है वो खुद ही पतरी गली से बाहर निकल गया। अरे वाह ये तो कॉमिक है। हाँ इसमें ये बच्ची कितनी प्यारी है। पुलिस की मम्मी इसे खाने को नहीं दे सकती है, बेचारी भूखी है। अरे बच्चे तुम्हें हुआ क्या है, ऐसे रो क्यों रहे हो? बच्ची को भूख लगी है। लगता है हमारे इलाके में भयंकर भूकंप आ गया है। लगता है शिंजो ने गड़बड़ कर दी। अब तो मुझे बस अपनी ही किसी टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा। अब देखता हूँ और कौन आता है। डिंग 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 डिंग। तुम तो कमाल कर रहे हो। मैं पहले चेक करता हूँ कि अंकल हमें उल्लू तो नहीं बना ले। अंकल उठ जाइए, उठिए अंकल। सब ठीक है। हुँ, 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 हुँ,
इसे खाने में कितना मजा आएगा। हाँ? ये क्या कर रहे हो शिशिमानू? इसे तो मैं ही खाऊंगा। मैंने तुम्हें किताबों को गंदा करने की परमिशन नहीं दी है। अरे वाह, मैंने पूरी किताब पढ़ ली। मुबारक हो केनिची। मेरा सिर। इस बार मैंने अपनी कितनी सारी पॉकेट मनी बचा ली है। अरे वाह, अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे हो गए तो दोस्तों मैं तो शॉपिंग जा रहा हूँ। रुक जाओ केनिची, रुक जाओ। कबड्डी कबड्डी कबड्डी, केनिची रुक जाओ, रुको। केनिची रुको। अरे केनिची तो दोबारा उस बुक स्टोर में गया। पता नहीं इसे क्या हो गया है। अंकल उसकी अच्छी खबर लेंगे। मैंने बुक खरीद ली। इस किताब में कितनी जानकारी दी गई है, मैं हमेशा से इसे खरीदना चाहता था। लेकिन ये किताब तो तुम उस दिन पढ़ चुके हो। हाँ, ये मुझे अच्छी लगी है, इसीलिए मैं इसे बार बार पढ़ूंगा। पता नहीं कभी कभी इस लड़के को ना जाने क्या हो जाता है। इसमें कोई शक नहीं कि केनिची को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। डिंग डिंग। कियो एक सच्चा दोस्त है। डिंग डिंग। लो, मैं घूमने जा रहा हूँ, मैं घूमने जा रहा हूँ। शिशिमानू, मैं कितना स्मार्ट लग रहा हूँ। आ रहा हूँ। इंतजार करवाने के लिए सॉरी। देखो शिशिमानू, हम सारे बाहर जा रहे हैं, घर का ध्यान रखना। मुझे उम्मीद है कि तुम मम्मी की बात अच्छी तरह समझ गए हो शिशिमानू। हम तुम्हारे लिए जरूर कुछ लेकर आएंगे। प्लीज मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। मैं अकेला पड़ गया। लगता है सब लोग बाहर घूमने जा रहे हैं। कल का दिन था पुराना और आज का दिन है सुहाना। दोस्तों नाचो गाओ और मौज मस्ती मनाओ। लगता है कोई आ गया। ये भी है। कहाँ गया ये? ओहो, यहाँ तो डॉगी है, मुझे काट लेगा तो। कहाँ गया ये चोर का बच्चा? अरे वाह वाह, क्या बात है शिशिमानू, तुम तो फेमस हो गए हो। अखबार में तुम्हारी फोटो छपी है। तुम सच में बहुत बहादुर हो शिशिमानू। तुमने कल बहुत अच्छा काम किया, मुझे तुम पर नाज है। मुझे भी है। अखबार में तुम्हारी फोटो देखकर बहुत अच्छा लगा शिशिमानू, तुम तो सचमुच कमाल के हो। केनिची, तुम्हें तो इस पर गर्व होना चाहिए। तुम सही कह रही हो युमिको। काश मेरे पास भी शिशिमानू जैसा ही कोई डॉगी होता तो कितना अच्छा होता ना। क्या बात है शिशिमानू, चोर पकड़ कर तेरी तो बैठे बैठे ऐश है। बेचारे बॉस कितने अकेले हो गए। काश ये सब युमी को बॉस के लिए कहती तो बॉस भी खुश होकर मुझे पुश कर देते, मेरी पगार बढ़ा देते। लेकिन मुझे अपने बॉस के लिए कम से कम एक चोर को तो जरूर पकड़ना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चोर 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 चोर, कहाँ है चोर, कहाँ है चोर? अरे ओ शाम के बाबू, देखो चोरी करके भाग रहे। लगता है फेमस होने का वक्त आ गया है। टिंग टिंग। चोर कहीं के, रुक जाओ, हमारी मछली वापस करो। क्या कर रहे हो, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो मुझे। अरे रुक जाओ, नहीं छोड़ेंगे। ये तो चोरी करना ना बात यही होता है। नहीं मुझे इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए, आखिर ये मेरे बॉस की खुशी का सवाल है। मैं इस बार चोर को लगता है ये चोर चोरी करने का मौका ढूंढ रहा है। कोई बचा? ये क्या? अच्छा तो तुम भागने की कोशिश कर रही थी। पकड़ता हूँ। तुम बच नहीं सकते। नहीं छोड़ूंगा। अरे अरे चोर खच्चा। ये तुमने क्या किया बिल्ले? मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। पुलिस?
मैंने औरत के भेष में छिपे उस चोर को इतनी मुश्किल से पकड़ा था और तुमने सब गड़बड़ कर दी। आज तो मैंने हड्डी तोड़ मेहनत की है, लेकिन फिर भी मेरे हाथ में कोई चोर नहीं आया। उस शशि मानू के बच्चे की वजह से मेरा ये हाल हो रहा है, मैं उसे बेहाल कर दूंगा बॉस की कसम। क्या बात है शशि मानू, तुम्हारी तो निकल पड़ी। शशि मानू, अगर तुम ये नोट ले जाकर पुलिस स्टेशन में दे दो तो तुम और भी फेमस हो जाओगे। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। पुलिस ऑफिसर कहेंगे कि ये चोर को पकड़ने वाला वही ईमानदार शशि मानू है, अब नोट देने आया है। रुक जा, छोड़ूंगा नहीं, पकड़ के रहूंगा। आखिर में पकड़ ही लिया। क्या बात है, बहुत बढ़िया शशि मानू। ऑफिसर, इसे पकड़ लीजिए, इस चोर ने मेरा 1000 का नोट चुरा लिया है। चोर गई नहीं, नहीं, ये सच नहीं है, ये नोट तो यही चोर है ऑफिसर, मैंने इसे चुराते हुए देखा था। डिंग 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 डिंग, निंजा हथौड़ी आया और मुश्किल को भगाया। बेटकी और निकल ले पतली गली से। डिंग 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 डिंग, ये क्या कर रहा है? अमारा, तुमने बता दिया कि तुम सच में कायर हो। तुम कियो के पीछे छिप कर वार करते हो और केनिची और शशि मानू को चोर बताने की कोशिश कर रहे हो। तुम क्या कह रहे हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। कई बार मैंने तुम्हें धोखा जरूर दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कायर हूं। अच्छा, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। हां, सच में मुझे कुछ नहीं पता। बाप रे, मैं चलता हूं। ओए कियो के बच्चे, तुमने अपनी अकल की गुफा में से कौन सा पत्थर निकाला है, बता। बस वो मैं। ओए क्या बोला तू, मतलब तुझे लगा कि अगर तू शशि मानू की तरह चोर पकड़ लेगा तो मैं तेरे तारीफों के पुल बांधूंगा और उसके बाद युमी को भी मुझे पसंद करने लगी, इसलिए तूने ये सब कुछ किया? बस इसलिए चोरी की। बेचारा मेरा कियो। मैं चोर हूँ। तुझे मेरी कितनी फिक्र रहती है मेरे कियो। बस और एक मैं हूँ कि बस आओ गले लग जा। गले लग जा। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो अच्छे और बुरे समय में आपका साथ दें, बिल्कुल इन दोनों जैसे। डिंग डिंग। शिंजो ने लिया निंजा टेक्निक का चैलेंज। डिंग डिंग। रुक जाओ, मुझे नहीं पकड़ पाओगे, कोशिश कभी नहीं। मुझे पकड़ना नामुमकिन है। हाथ पैर जाम करने की निंजा टेक्निक। डिंग 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 डिंग। रुक जाओ। ये क्या, ये आखिर जाम कैसे हो गया? न जाने मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ। हाँ? कमाल कर दिया बले भाई। मैंने कोई कमाल नहीं किया शिंजो। बले भाई का जवाब नहीं। आप तो सुपर हिट हो। डिंग डिंग। हाथ पैर जाम करने की निंजा टेक्निक मुझे भी सिखाइए ना। उसे सीखने के लिए तुम अभी बहुत छोटे हो। तो क्या हुआ, मुझे सीखनी है वरना मैं लोना शुरू कर दूंगा। अच्छा अच्छा सिखा दूंगा। ये टेक्निक पूरी तरह तुम्हारी विल पावर पर डिपेंड करती है। अब किसी भी चीज को ध्यान से देखो और अपनी विल पावर इस्तेमाल करने की कोशिश करो। देखो ऐसे। डिंग 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 डिंग। मेरी बात समझ में आई? शिंजो क्या हुआ? डिंग डिंग डिंग। लगता है गलती से इस टेक्निक का इस्तेमाल मैंने शिंजो पर ही कर दिया। डिंग डिंग। समझ गया बले भाई। डिंग डिंग। बुलडॉग। ठीक है, उस बुलडॉग पर अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करके दिखाओ। डिंग डिंग। इस पर कैसे करूं? निंजा टेक्निक, इस बुलडॉग के हाथ पर जाम कर दो। हाँ, कहा था ना इसके लिए अभी तुम बहुत छोटे हो। देखो शिंजो, ये निंजा टेक्निक तुम्हारे बस की बात नहीं है, इसके बारे में भूल जाओ। अरे वाह, क्या बात है, सुंदर, अति सुंदर, सबसे प्यारी, आज तो तुम्हें एकदम राज दुलारी लग रही हो। ओ, हमारा मजाक मत करो। अच्छा, आज तुम आइस ओ आइसक्रीम आइसक्रीम खाने चलोगी क्या मेरे साथ? ओ वाओ, आइसक्रीम तो मेरी फेवरेट है, चलो चले। तो शुभकामनाएं, देर किस बात की? पहले क्यों नहीं बताया तुम्हें आइसक्रीम बहुत पसंद है? अरे कैनिची, तुम्हारी साइकिल तो बहुत अच्छी है, तुम इस पर घूमना चाहती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे अरे युमी को, तुम तो मेरे साथ आइसक्रीम खाने चल रही थी ना? हाँ, लेकिन मुझे साइकिल पर ज्यादा मजा आता है।
बाय। एप्पल जाम करने की निंजा देखने कब तक काम निकले? तुम जानती हो कि इस बात से हथौड़ी बहुत गुस्सा होगा। जब मैं इसमें मास्टर हो जाऊंगा तो भाई को ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा, वो गुस्सा नहीं होंगे। कुछ आदमी पे ट्राई करता हूँ। एप्पल जाम करने की निंजा टेक्निक। मैं जानता था तुमसे नहीं होगा। शिशुमानो वो देखो। ये क्या? तो उस आदमी की जगह इस डॉगी पर तुम्हारी टेक्निक काम कर गई है। हाँ, एक और बार ट्राई करते हैं। हाँ, चलो करते हैं। 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 अरे इसका आधा शरीर जाम हो गया। गड़बड़ हो गई। मैं कब सीखूंगा? अब तुम वो सब भूल जाओ। हाँ, शायद मुझे भूलना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा। छोटू मास्टर, तुम अभी किसी निंजा टेक्निक के लायक नहीं रहे। क्या मतलब है तुम्हारा? बॉस, ये लोअर क्लास के निंजा से हमारी बराबरी के नहीं है। मैं हाथ पर जाम करने की निंजा टेक्निक जानता हूँ। तुम्हारी ऊंची ऊंची बोली और 10x10 की खोली, और कोई रास्ता भी तो नहीं है। ठीक है छोटू, तो उस पर अपनी तकनीक का इस्तेमाल करके दिखाओ जरा, मैं भी तो देखूं। अरे केनिचि, आप देखो मेरा कमाल जा टेक्निक, इसके हाथ पैर जाम कर दो। मैं उन्हें फौरन रोकना होगा वरना उन्हें चोट लग जाएगी। तुमने किया? हाँ बॉस, सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी, घर पे जाके खेलूंगा गोटी। नहीं, मैंने वो कभी नहीं सीखो। तो मुझे क्या पता। रुको, रुको, कोई तो रुको इसे। ये कौन चिल्ला रहा है? अरे ये क्या, केनिचि? लगता है वो बहुत बड़ी मुश्किल में है। गिलहरी की तरह उड़ने वाली निंजा टेक्निक। डिंग 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 डिंग। बचाओ, मुझे बचाओ, बहुत डर लग रहा है। डिंग 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 डिंग। आगे तालाब है। आशा भागने में ही भला है। जानता हूँ, निकलो यहाँ से। चलो चलो। तो इसके पीछे शिंजो और शिशिमानो का हाथ है। मैं तो थक गया। मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है। नाश्ता तो तैयार है, चलो झूठ पड़ते हैं। चलो शुरू हो जाओ, सब खत्म कर देंगे। यमिका, अंदर आ जाओ। हा? बैठो बैठो। आओ और आकर ये टेस्टी नाश्ता खाओ, मैंने मम्मी से ये तुम्हारे लिए बनवाए हैं। वाओ, ये तो बहुत टेस्टी होंगे। ओह, ये तो सच में है। मुझे तो खाकर मजा आ गया। हाँ, लेकिन उन दोनों के लिए मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है। उन दोनों को मेरी बात ना मानने की सजा मिली है, इसीलिए ये दोनों ये नहीं खा सकते। बड़ों की बात ना मानने वाले को हमेशा पछताना पड़ता है। डिंग डिंग।